हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी गुंजन से पाठ 14 विश्व पुस्तक मेला पढ़ेंगे। यह एक पत्र है। इस पाठ में हम मेला, पुस्तक मेला के बारे में पढ़ेंगे और यह पत्र के माध्यम से पाठ को बताया गया है। इसमें अंकित नाम के लड़के ने अपने मित्र प्रखर को पत्र लिखा है और पत्र में उसने पुस्तक मेला के बारे में बताया है कि यह मेला कहाँ लगा है और किस प्रकार की पुस्तकें इस मेले में मिलती हैं और क्या क्या होता है। और वह कुछ दिन पहले अपने दादाजी के साथ इस मेले में जा कर के मेले का आनंद ले चुका है और वह अपने मित्र को अगली वर्ष के लिए आमंत्रित करता है, जिसके लिए वो पत्र उसको लिखता है। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। 14/2 दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095, 11 जनवरी 2022। प्रिय प्रखर, कैसे हो? इन दिनों प्रगति मेला में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। मैं परसों अपने दादाजी के साथ मेले में गया था। इसमें देश विदेश के प्रशंसकों की पुस्तकें होती हैं। हम लोग मेट्रो से प्रगति मैदान पहुँचे। ये बच्चा दिल्ली का रहने वाला है और वहाँ पे मेट्रो से जा रहा है। हम लोग मेट्रो से प्रगति मैदान पहुँचे। वहाँ मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी थी। कतार मतलब लंबी लाइन। हम टिकट खरीद कर अंदर पहुँचे। कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी वहाँ आए थे। वहाँ बड़े बड़े हॉल थे जिनमें स्टॉलों पर पुस्तकें सजी हुई थीं। इतनी पुस्तकें देखकर मेरी तो आँखें फटी ही रह गईं। वहाँ इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, यात्रा, धर्म आदि विषयों की पुस्तकें थीं। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं भी थीं। इस मेले में पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सभी सामग्रियां भी मिलती हैं। तरह तरह के खिलौने, पजल, विज्ञान, गणित जैसे विषयों से जुड़े खिलौने खूब बिकते हैं। यानी कि मेले में ये सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई से भी जुड़ी चीज़ें भी मिल रही थीं और बहुत सारी भाषाओं की पुस्तकें भी थीं। दादाजी ने मेरी बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र की और अन्य कहानियों की पुस्तकें खरीदी। मैंने अपने लिए हिंदी का सचित्र शब्दकोश यानी कि फिगर के साथ डिक्शनरी खरीदी। ओरिगैमी एक कागज़ से, जो जैसे कागज़ से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसकी बुक होती है कि कैसे कागज़ को मोड़ करके क्या क्या बनाया जाता है, उसको, उस बुक को हम ओरिगैमी कहते हैं। कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी हैं। कविताओं की भी एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी कुछ कविताएं तो मुझे याद भी हो गई हैं। दादाजी ने मुझे पजल दिलाए क्योंकि इनसे हमारा मानसिक विकास होता है। पजल एक तरह का गेम होता है जिससे मानसिक विकास होता है। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे ही खिलौने और पुस्तकें खरीदी हैं। पुस्तक विक्रेताओं ने खरीदारों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बना रखी थीं, जैसे पुस्तकों के साथ नए वर्ष का कैलेंडर, डायरी, पेन। पहले 10 खरीदारों को 100 रुपये मूल्य की पुस्तकें मुफ्त देना। मुझे भी उपहार में कुछ चीज़ें मिली। यानी कि जो बुक सेल कर रहे थे, बुक बेच रहे थे, उन्होंने बहुत सारी स्कीम रखी थी, बहुत सारे डिस्काउंट भी दिए थे।
जैसे कि बुक के साथ कैलेंडर, डायरी, पेन, और 100 रुपये की एक जो बुक का दाम था, बुक का मूल्य था वो 100 रुपये था, वो बुक भी उसको मुफ्त में दे रहे थे। मेले में हमने खाना भी खाया, खाना बहुत स्वादिष्ट था, मैंने आइसक्रीम भी खाई। पुस्तक मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा लगा। अगले वर्ष तुम भी यह मेला देखने ज़रूर आना। चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकित। अब पाठ समाप्त होता है।